टॉप 5 न्यू मिथ इन इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्योरी। तो कैसे आज के वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 5 ऐसे न्यू मिथ बताने वाला हूं जिन्हें देखकर आपको सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला। तो बिकॉज गाइस मैं हम लोग देख सकते हो हमारे गेम को यहां पास पुलिस हेलीकॉप्टर देखने को मिल चुका है एंड इसका क्या चीट कोड है इस आज के वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो आओ गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। एंड सबसे पहला मिथ था गाइस कि अगर हम लोग अपडेट के बाद पुलिस स्टेशन के पास जाएं तो वहां पर हम लोग कोई भी मतलब कि एनपीसी या फिर पुलिस इंस्पेक्टर या फिर जेल वाला कैदी कोई भी हम लोग को देखने को नहीं मिलता। तो चलो देखते हैं गाइस क्या सच में कंफर्म है या फिर बस्टेड है, लेट्स गो। तो फाइनली गाइस हम लोग देख सकते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन अब चलो देख लेते हैं कि इसके अपडेट के बाद सच में कोई भी नहीं है या फिर है। लेकिन वेट भाई, यहाँ पर सच में कोई भी नहीं है भाई, लिटरली में भाई। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पास दो हवलदार खड़े रहते, ये भी नहीं है। एंड सामने इंस्पेक्टर भी नहीं, एंड यहाँ पास एक कैदी रहता था ये भी गायब है भाई यहाँ से लिटरली में। शायद वो सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट तो नहीं हो गए। चलो जल्दी से ऊपर चल के भी देख लेते हैं क्या वो लोग सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट हो चुके हैं भाई। यहाँ पास भी कोई भी नहीं है भाई, लिटरली में यहाँ पास सच में यहाँ पास से गायब हो चुके गए। एंड ये भी तो होता है कन्फर्म, लेकिन उससे पहले गए चलो देख लेते गए कि ये मतलब कि पुलिस स्टेशन के पीछे तो कोई है या फिर नहीं। एंड चलो आपस जल्दी से पुलिस स्टेशन के पीछे भी देख लेते हैं गाइस कहीं ये लोग पीछे तो नहीं खड़े हैं भाई लिटरली में यार। एंड यहाँ पर सच में गायब हो चुके भाई, मतलब ये मिथ होता है कंफर्म। एंड चलिए गाइस बढ़ते अपने नेक्स्ट मिथ की ओर। लेकिन गाइस यहाँ पास एक खबर मतलब कि कम से कम यहाँ पास दो मतलब कि हवलदार मतलब तो खड़े रहना चाहिए जो कि मुझे काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन यहाँ पास दोनों के दोनों गायब है। एंड चलिए गाइस बढ़ते अपने नेक्स्ट मिथ की ओर, लेट्स गो। एंड नेक्स्ट मिथ ये गाइस कि अगर हम लोग यहाँ पास मैगरम के ऊपर एमन वाले यहाँ पास प्रॉप्स स्पॉन करने के बाद कोई भी एक रैंडम कार को यहाँ पास क्रॉस करने के बाद अगर उसे वाइड मिल जाए अपने कार को एंड हम लोग यहाँ पास मतलब कि स्लो मोशन वाले आइकन को प्रेस करते हैं तो हम लोग को देखने को मिलेगा मैजिक। चलो देखते हैं कि कौन सा मैजिक देखने को मिलता है, लेट्स गो। तो फाइनली आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पास थारो को स्पॉन करा दिया हूँ। देन गाइस सबसे पहले तो इसे हम लोग को क्रॉस कराना है एंड बेसिकली गाइस ये तो क्रॉस हो चुका है, लेकिन अब हम यहाँ पास सीधा इसे वाइड में लेके जाना है। एंड वाइड में लेने जाने के लिए सबसे पहले तो इसकी स्पीड होना चाहिए पूरी तरह से रॉकेट की तरह। एंड ये ऑब्वियसली गाइस यहाँ पास कूदाने के बाद ये तो हो ही जाता है एंड बताने की जरूरत नहीं है, इसकी आप लोग को पता ही होगा। एंड जो देखते हैं कि इसकी स्पीड कस में यहाँ पास रॉकेट की स्पीड पकड़ पाएगी ये या फिर नहीं। एंड कैसे आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पास थारोक भी यहाँ पास रॉकेट की स्पीड पकड़ लिया जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड ये कुछ ही सेकंड में कैसे यहाँ पास वाइट को भी सर्वाइव कर लेगा। एंड चलो देखते कैसे सर्वाइव कर पाएगा भी या फिर नहीं। एंड मेरे हिसाब से कैसे पूरी तरह से चला जाएगा वाइट के अंदर कुछ ही सेकंड में। तो चलो देखते गए। एंड सच में गाइस इसका स्पीड फिर से दोबारा से देख सकते हो यहाँ पास रॉकेट की स्पीड पकड़ लिया भाई लिटरल में। एंड चलो देख लेते हैं कैसे सच में मतलब कि वाइट जा भी पाएगा या फिर नहीं। एंड मेरे हिसाब से तो कैसे ये जाना चाहिए भाई लिटरल में, देख सकते हो आप कुछ ही सेकंड में गाइस यहाँ पास पूरी तरह से मतलब कि वाइड को सर्वाइव कर दिया भाई। एंड जो यहाँ पास स्लो मोशन वाला आइकन को प्रेस करके देखते हैं कि सच में हम लोग यहाँ पास दोबारा से मैकरम में पहुँचेंगे या फिर नहीं भाई लिटरल में। गार हम लोग देख सकते हैं हम लोग मतलब कि वाइड से भी आ चुके भाई, मतलब ये सच में भाई काफ़ी खतरनाक में देखे हम लोग यहाँ पास वाइड से भी बाहर आ चुके भाई, सच में मुझे काफ़ी बड़े लगा। एंड आप लोग कमेंट करके बताना गाइस ये हम लोग दोबारा से वाइड से बाहर निकल के आए क्या, आपने कभी आया गाइस वाइड से? एंड आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड यहाँ पर से मैं चलो फुल स्पीड में जंप लगाता हूँ, साथ ही हम लोग सीधा हम लोग नीचे चलेंगे। लेकिन इससे पहले गाइस मैं पास जैसे यहाँ पास स्लो मोशन वाला आइकन को यहाँ पास प्रेस कर देता हूँ तो गाइस हम लोग दोबारा से हम लोग यहाँ पास मैगरम के ऊपर पहुँच जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पास देख सको मैं चलो जैसे जल्दी से प्रेस कर देता हूँ, लेट्स गो भाई लिटरली में गाइस काफ़ी खतरनाक मिथ है। एंड चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट मिथ की ओर। एंड नेक्स्ट मिथ ये गाइस कि अगर आप लोग यहाँ पास पुलिस स्टेशन के सामने अगर 8000 डायल करके आप लोग यहाँ पास हेलीकॉप्टर मंगाते हो तो वो मतलब कि पुलिस व्हीकल बन जाएगा। तो चलो देखते हैं कि इस कैसे में आपस पुलिस हेलीकॉप्टर बन पाएगा या फिर नहीं। एंड आप लोग को पता है कैसे अगर हम लोग यहाँ पास 0 and 100 डायल करते तो हम लोग यहाँ पास मॉन्स्टर पुलिस कार देखने को मिलता है। एंड अगर हम लोग यहाँ सिंपली नॉर्मली अगर 100 भी डायल करते हैं तो हम लोग यहाँ पास पुलिस व्हीकल देखने को मिलेगा जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पास पुलिस व्हीकल 1 है। एंड पुलिस व्हीकल 2 के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। एंड उससे पहले चलो बता दोगे इस हेलीकॉप्टर का चिट कोड एंड 8000 डायल करने से हमारी गेम को यहाँ पास देख सकते हो हेलीकॉप्टर भी देखने को मिलता है जो कि ये भी काफ़ी बढ़िया है। एंड सच में गाइस आप लोग देख सकते हो इसका कलर पूरी तरह से ब्लैक है एंड इस सच में गाइस यहाँ पास पुलिस हेलीकॉप्टर तो लगता है भाई। एंड 101 डायल करने से हमारी गेम को आप लोग देख सकते हो यहाँ पास पुलिस कार 2 देखने को मिलेगा। एंड इसका मॉन्स्टर वर्जन के लिए आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, सामने 0 लगा देना है। एंड सामने 0 लगाने के बाद गाइस 101 दोबारा से लगा देना है तो आप लोग देख सकते हो इसका भी मॉन्स्टर वर्जन देखने को मिल जाएगा जो कि ये भी काफ़ी बढ़िया है। एंड आप लोग देख सकते हो सच में अपना जो हेलीकॉप्टर है गाइस सच में यहाँ पास पुलिस हेलीकॉप्टर तो लग रहा है गाइस। एंड आप लोग कमेंट करके बताना गाइस किस किस को ये पुलिस हेलीकॉप्टर लग रहा है, बस इसमें गाइस स्टिकर एंड सायरन की बस कमी है, लेकिन ये तो पूरी तरह से मतलब कोई पुलिस हेलीकॉप्टर ही लग रहा है। एंड चलो गाइस इसे हम लोग अच्छे से बिल्डिंग में इसे हम लोग लैंड करते हैं एंड देखते हैं गाइस क्या आप मतलब कि अच्छे से लैंड कर पाएंगे फ्रैंकलिन या फिर नहीं। एंड मेरे हिसाब से गाइस तो फ्रैंकलिन इजीली इसे कर पाता है क्योंकि गाइस फ्रैंकलिन इसे काफ़ी ज़्यादा इसमें से ड्राइव कर चुका है।
तो चलो देखते हैं कि इसके फ्रैंकी ने अच्छे से बिल्डिंग में मतलब कि लैंड करा पाएगा या फिर नहीं। एंड सामने वाला जो व्हाइट कलर का बिल्डिंग दिखाई देगा इस बस इसी में हम लोग लैंड करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं गाइस क्या इस फ्रैंकलिन अच्छी तरह से लैंड कर पाएगा या फिर नहीं। एंड मेरे हिसाब से गाइस ये फ्रैंकलिन इजीली इसे कंप्लीट कर लेना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब प्लेन चला चुका है। एंड लिटरली गाइस में तो होता है कन्फर्म। एंड चलिए बढ़ते अपनी नेक्स्ट मिथ की ओर, लेट्स गो। एंड नेक्स्ट मिथ ये गाइस कि अगर आप लोग यहाँ पर सिंपली कुछ भी नहीं करते 3005 डाल करके एक ने सांझी टीआर कर इसको कार रिस्पॉन्ड करते एंड कोई भी कार रिस्पॉन्ड करा लेते हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर सिंपली गाइस 9129 इन्फिनिटी हेडकोड को जरूर से एक्टिवेट करना है। एंड इसके बाद गाइस 7112 डाल करके आप मून ग्रेविटी भी एक्टिवेट कर लेना है। एंड आप लोग जैसे आप मून ग्रेविटी एक्टिवेट कर लेते हो एंड उसके बाद गाइस आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सीधा कार के अंदर एंटर कर देना है। एंड आपका जो कार है गाइस ये फ्लाइंग कार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं गाइस सच में यहाँ फ्लाइंग कार में कन्वर्ट हो पाएगा या फिर नहीं। एंड मेरे हिसाब से गाइस शायद ही फ्लाइंग कार में कन्वर्ट हो पाएगा क्योंकि गाइस फ्लाइंग कार शायद होता है या फिर नहीं मुझे पता नहीं एक्चुअली, लेकिन शायद चलो देख लेते हैं। एंड सच में गाइस ये क्या हो रहा है भाई, ये तो कार मतलब सीधा होने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई, ये क्या हुआ भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इसका स्पीड इतना मतलब कम कैसे हो गया गाइस, सच बताओ तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। एंड चलो गाइस इसमें कहीं जंप करा के देखते हैं क्या सच में फ्लाइंग कार बन पाया है या फिर नहीं। एंड आप लोग देख सकते हो गाइस सच में फ्लाइंग कार बन चुका है, मतलब कि अभी तक कि आपस सीधा नीचे चला जाता लेकिन गाइस ये तो नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा भाई लिटरली में। आप लोग यहाँ पास देख सकते हो एंड कितना स्लोली स्लोली आपस नीचे आ रहा है भाई, मतलब सच में एक फ्लाइंग कार बन चुका है गाइस। एंड ये मैं तो कन्फर्म एंड देख सकते हो काफ़ी स्लो भाई नीचे आया। एंड चलो भाई ये तो देख सकते हो ऐसे जैसे कि बॉल की तरह मतलब जंप लगा रहा है ऐसे, मतलब कि सच में गाइस अगर आप लोग यहाँ पास मून ग्रेविटी एक्टिवेट करते हो तो आपका जो कार है गाइस ये मतलब कि फ्लाइंग कार में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन उसके लिए गाइस अच्छा मतलब स्पेस वाला जगह चाहिए, जैसे कि गाइस जोरासिक पार्क के अंदर में ये काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड चलिए गाइस एक बार से स्टिकी बम को फेंकते फेंकते एक साथ एंटर करते हैं, क्या मैजिक देखने को मिलता है, लेट्स गो। एंड आप लोग देख सकते हैं इसमें आपस स्टिकी बम को फेंकते फेंकते एंटर कर दिए, लेकिन वेट भाई यहाँ पास फ्रैंकलिन मतलब कि यहाँ पास पूरी तरह से जैसे ही लग रहा था कि ज़मीन के अंदर बैठा है, लेकिन पूरी तरह से ग्रास जो है यहाँ पास इस कार के अंदर आ चुका था इसलिए गाइस ऐसा ही लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये फ्रैंकलिन मतलब कि कार के अंदर में ही था। एंड चलिए गाइस इसे हम लोग यहाँ पास टार्जन द वंडर कार के साथ करके देखते हैं। एंड टार्जन द वंडर कार का चेट कोड गाइस 300 एंड 300 से चलो यहाँ पास जल्दी से स्पॉन कर लेते हैं टार्जन द वंडर कार। एंड स्टिकी बम को फेंकते फेंकते गाइस हम लोग यहाँ पास एंटर कर देना है, लेट्स गो। तो आप लोग यहाँ पास देख सकते हो गाइस मैं भाई वेट भाई इसका दोनों टायर भाई मतलब आप लोग देख सकते हो पूरी तरह से एंड मतलब के अंदर चला गया है। एंड फ्रैंकलिन भी, लेकिन यहाँ पास मैं जैसे एग्जिट किया गाइस तो आप लोग यहाँ पास देख सकते हो यहाँ पास जो यहाँ पास टार्जन द वंडर कार है भाई ये तो पूरी तरह से देख सकते हो यहाँ पास फ्लाइंग कार में कन्वर्ट हो चुका है भाई, ये तो अपने यहाँ मतलब कि जंप करके ऊपर चला गया, मतलब काफ़ी अच्छा था गाइस। एंड इसके साथ गाइस मुझे अभी याद आया कि अगर आप लोग यहाँ पास सिंपली गाइस 666 डाल करके आप जैसे भी स्पॉन करते हो एंड इसके ऊपर स्कॉर्पियो स्पॉन करते हो तो ये फ्लाइंग कार में कन्वर्ट होता है। एंड मून ग्रेविटी के बाद तो ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, इसे आप लोग एक बार जरूर ट्राई करके देखना क्योंकि गाइस मुझे काफ़ी बढ़िया लगा भाई लिटरली में, देख सकते हैं काफ़ी दूर चला गया। एंड थोड़े से दोबारा करके देख लेते हैं 666 तो आप लोग यहाँ पास देख सकते हो मैं दोबारा से स्पॉन कर दिया। एंड इस बार मैं यहाँ पास स्कॉर्पियो S11 स्पॉन करने वाला हूँ, तो यहाँ पास चलो इसे भी स्पॉन कर ही देते हैं। एंड देख सकते हो गाइस ये परफेक्टली वर्क कर रहा है भाई, सच में ये भी काफ़ी बढ़िया है, इसे आप लोग एक बार जरूर ट्राई करके देखना। एंड गाइस आपके भी दिमाग में खतरनाक मिथ या ग्लिचेस पता है तो उसे नीचे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में उसे ट्राई करूँगा गाइस। एंड देख सकते हो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है एंड मैं सच बताऊँ तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। तो आज चलिए इतना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।